Assalamualaikum, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School Kasimabad, Hyderabad. So ji guys, mathematics समझ रहे हैं? कंटिन्यू है तो मैथमेटिक्स अगर आपको समझनी है कंटिन्यू तो आप पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ठीक है गाइस? सो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम क्या समझेंगे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 16 समझेंगे। एक्सरसाइज 2.2 कंटिन्यू है, क्वेश्चन नंबर 16 को सीखेंगे समझेंगे। तो पहले इस गिवन क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, क्यूटिकल ये क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, मेन स्टेटमेंट को समझना है। वो स्टेटमेंट अगर समझ में आ गई देन प्रॉब्लम मीन समझ में आ गया, ठीक है? आइए देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड इंटरनली एंड एक्सटर्नली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट है, वो दीज टू पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन है। उस लाइन सेगमेंट को एक कोऑर्डिनेट जो एक डिवाइड कर रहा है इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, तो कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है? वो डिवाइड कर रहा है इन द रेशो ए रेशो बी में। अब देखिए डायग्राम ड्रा करूंगा तभी आपको समझ में आएगा बोल क्या है। अब देखिए फंक्शन कह रहा है लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट ड्रा हुई, ठीक। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड पॉइंट्स व्हिच आर इन स्ट्रेट सपोज ये कोऑर्डिनेट है डिवाइड कर रहा है पी कोऑर्डिनेट एक्स कमा वाई नाम दे डिवाइड इंटरनली एंड एक्सटर्नली मींस ये पॉइंट P जो है इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली एज वेल एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट लाइन सेगमेंट जॉइन है इन दोनों पॉइंट से a माइनस b का a प्लस b एंड सेकंड एंड पॉइंट b a माइनस प्लस b का a माइनस b, सही है? इन द रेशियो रेशियो जो वो रेशियो कौन सा है a रेशियो सही। अब मीन देखिए ये पूछ रहा है पॉइंट पी को कैलकुलेट करना है, पॉइंट पी ए बी जॉइन को डिवाइड कर रही है ए रेशो बी में, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट इंटरनली एज वेल एक्सटर्नली कैलकुलेट कर रही है, सही है जी? अब स्टार्ट करेंगे समीशन। सिंपल क्वेश्चन में यही चीज बोल रहा हूं। अब देखिए कैसे, पहले हम हेडिंग दे रहे हैं फॉर इंटरनली ठीक है, ये अलग है। सो इंटरनली कैलकुलेट करेंगे कैसे फ्रॉम गिवन कंडीशन पॉइंट P divides the joint AB in the ratio A ratio B. So by use करेंगे ratio formula, ठीक है? एडिशन ये पॉइंट पी डिवाइड कर रही है ए बी जॉइन को ए रेशो बी में, सो पॉइंट पी इज द रिक्वायर्ड पॉइंट इंटरनली। सो पी पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे, जो फार्मूला है पी एक्स कॉमा वाई, फार्मूला है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू कॉमा m1 by 2 plus m2 by 1 divided by m1 plus m2, this is the formula, ratio formula, ठीक है? अब इस formula में m1 ratio m2 क्या है हमारे पास मौजूद, m1 ratio m2 जो given है so a ratio b, ठीक? x1 x2 y1 and y2 की values, first point a means x1
वन टू सो x1 की वैल्यू है a माइनस बी, y1 की वैल्यू है a प्लस बी, x2 की वैल्यू है a प्लस बी एंड वैल्यू ऑफ y2 इज a माइनस बी। ठीक है, सो अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द फार्मूला 5t x कॉमा y इक्वल टू नाउ M1 that is A multiply X2 A plus B plus M2 that is B M1 ratio M2 है M2 multiply X1 so X1 की वैल्यू A minus B इसको ब्रैकेट में लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे divided by M1 plus M2 minus A plus B। ठीक है, कॉमन अगेन m1 is a, y2 की वैल्यू a माइनस b प्लस m2 की वैल्यू मल्टीप्लाई y1 दैट इज a प्लस b डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 माइनस a प्लस b m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू प्लस। सो इस स्टेप में जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने इन द फार्मूला। ठीक है, अब इनको करेंगे सिंप्लीफाई, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हम परफॉर्म करेंगे। सो पॉइंट डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट के साथ होगा, सो पहले ए मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे तो ए इंटू बी वो तो डिफरेंट आंसर तो ए इंटू बी प्लस साइन। अब b जो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b मल्टीप्लाई बाय a तो b a दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं तो b a को a b लिख सकते हैं, रियरेंज करेंगे। उसके बाद ये प्लस की साइन ब्रैकेट के अंदर माइनस की साइन है, प्लस यहां पर माइनस है, माइनस होगी तो साइन मल्टीप्लाई होगी प्लस इनटू माइनस माइनस b मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ तो b इनटू b b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइन नंबर है ट्वाइस साइन डिवाइडेड बाय a plus b sin। सही है, जस्ट डोमेन साइड में टर्म्स की सिंप्लीफिकेशन है। अब नाउ अगेन a मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करेंगे तो a into a स्क्वायर माइनस साइन ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे तो a into b हो जाएगा, a b दोनों डिफरेंट टर्म्स है प्लस साइन। अब b इस ब्रैकेट के साथ होगा b into a means b a दोनों डिफरेंट टर्म्स है तो a भी लिखेंगे रियरेंज करके प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस है तो प्लस into प्लस प्लस हो जाएगा b b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस b सो इक्वल टू अब ये स्क्वायर a b एंड a b दोनों पॉजिटिव टर्म्स है प्लस है सर मैंने बोला ए बी प्लस ए बी करेंगे तो ये हो जाएगा टू ए बी माइनस बी स्क्वायर सेवन डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कामा ए स्क्वायर यहाँ पर ए बी माइनस बी ए बी प्लस बी कैंसिल हो गया, यहाँ पर दोनों प्लस के थे प्लस किए वहां पर कैंसिल, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। सो पॉइंट पी एक्स कामा वाई के वर्टाइसेस है इंटरनली बे के साथ, ये इंटरनली पॉइंट बी के वर्टेक्स, अब इनको मजीद कुछ भी नहीं कर सकते हम। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये हो गया इंटरनली बेस, अब क्या करेंगे एक्सटर्नली करेंगे सॉल्व, वो भी कैलकुलेट करना है फॉर एक्सटर्नली। ठीक है, तो एक्सटर्नली इस तरीके से फाइंड करेंगे सेम वही कंडीशन जस्ट फार्मूला चेक होगा एक्सटर्नली बेस से फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला है पी एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एम वन एक्स टू माइनस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाय एम वन माइनस एम टू कॉमा एम वन वाई टू माइनस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाय एम वन माइनस एम टू। सही है, हर चीज सेम है, पॉइंट पी ए पी ज्वाइन को डिवाइड कर रही है रेशियो ए एंड बी सब कुछ
7 जस्ट x यहां पर कैलकुलेट किया इंटरनली फेस से तो फार्मूला यूज ये हुआ था यहां पर पास से जो साइन है फार्मूला में एक्सटर्नली फेस कैलकुलेट कर रहा है फार्मूला हम यही यूज करेंगे मगर साइन बीच में नेगेटिव आ चुकी है सही है अब वैल्यूज सेम यही है m1 m2 x1 y1 x2 एंड y2 सब वैल्यूज सेम यही है यही वैल्यू यूज करेंगे हम m1 की वैल्यू a है m2 की वैल्यू b है सो देखें m1 की वैल्यू a x2 की वैल्यू a plus b सेम यही वैल्यूज है माइनस m2 की वैल्यू b ठीक एंड x1 की वैल्यू है a minus b m2 to x1 a minus b divided by a minus b m1 minus m2 है कहां m1 की वैल्यू a मल्टीप्लाई बाय 2 तो y2 की वैल्यू a minus b माइनस m2 की वैल्यू b मल्टीप्लाई बाय 1 तो y1 की वैल्यू है a plus b divided by a minus b m1 minus m2 सही है तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है सेंड ए m1 रेशियो m2 x1 y1 x2 y2 सेंड ए वैल्यू है जस्ट एक्सटर्नली बेस फार्मूला में साइन की चेकिंग आई अब देखिए क्या हो रहा है a मल्टीप्लाई बाय a होगा a स्क्वायर प्लस साइन a मल्टीप्लाई b के साथ ab दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं माइनस b मल्टीप्लाई a से करेंगे तो b इनटू a b a या a b रिअरेंज करें माइनस यहां पर अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस है माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इनटू माइनस प्लस b मल्टीप्लाई b हो जाएगा b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस b कॉमा अगेन यहां पर a मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस साइन a मल्टीप्लाई b a into b minus sign यहाँ पर b multiply by a b a या a b बार sign है उसके बाद ये minus sign bracket के अंदर plus है minus into plus minus b multiply by b b square हो जाएगा divided by a minus b सही है so next step में simplify करेंगे a स्क्वायर ए बी प्लस ए बी माइनस कैंसिल हो गया बाकी b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस b सेम कॉमा a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी दोनों टर्म सेम है दोनों की साइन भी सेम है साइन सेम है प्लस हो जाएगा साइन माइनस सेम रहेगी प्लस हो गया 2a a b प्लस a b इज टू a b एडिशन में कोफिशिएंट इंक्रीज होगा एंड ये माइनस बी स्क्वायर सेम है डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ब्रैकेट ओवर तो ये है एक्सटर्नली क्वाड्रेटिक ऑफ पॉइंट पी ठीक है एक्सटर्नली बेस आंसर इंटरनली बेस कोऑर्डिनेट्स एंड एक्सटर्नली कोऑर्डिनेट दोनों में जस्ट फार्मूला के साइन के डिफरेंस था और कुछ भी नहीं है तो पॉइंट पी जो कोऑर्डिनेट है इंटरनली में एक्सटर्नली बेस ए बी को डिवाइड करेंगे a रेशो b में तो उनके कोऑर्डिनेट्स आपके सामने ये इंटरनली वे के हिसाब से या पर एक्सटर्नली वे के हिसाब से ठीक है स्टूडेंट्स सो ये आपके सामने कंप्लीट सॉल्यूशन मौजूद है सो उम्मीद है समझ में जरूर आ गया होगा ठीक है सो मजीद प्रैक्टिस आपको करनी है प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा इजीली ठीक है स्टूडेंट्स ओके सो अल्लाह हाफिज़